देश भर में चल रहे भारत बंद का असर करनाल में भी देखने को मिला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कमेटी चौक, कर्ण गेट, बस स्टैंड, कुंजपुरा रोड आदि व्यस्त इलाकों में जाकर दुकानदारों से हाथ जोड़कर बंद में शामिल होने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, सरदार त्रिलोचन सिंह, ललित बुटाना, अरविंद मान नीटू, नरेंद्र जोगा, पूर्व विधायक भीमसेन मेहता, सुरेश गुप्ता, सुखराम बेदी, पंकज पुनिया व सुरेंद्र अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और दुकानदारों को बंद में शामिल होने का आह्वान किया। इस मौके पर समाचार एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, परंतु अन्नदाता अब जाग चुका है और सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कृषि कानून काले कानून है, सरकार को इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और पिछले समय समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि आज किसानों के भारत बंद के आह्वान को लेकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से किसानों का और कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद है, किस तरह से वो बाजारों में अपना मोर्चा निकाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे है जिन्होंने दुकानें खोल रही हैं वे किसानों के समर्थन में आए और अपने अपने दुकानों को शांतिपूर्ण तरीके से बंद कर दें। इस समय बात करने का प्रयास भी करें कई लोगों से, देखिए आप देख सकते हैं कई कांग्रेसी नेता मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने का सर अभी बोल रहे, देखिए सर आप मेरे साथ देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे प्रतिनिधि हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे, कई लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरह से कांग्रेसी नेता कई कौन सर आज का जो बंद है किसानों के समर्थन में आप किस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरह से आज पूरे देश का किसान लगातार सर्द रातों में सड़क पे, मैं समझता हूँ इससे बेशरम सरकार और बेशरम प्रधानमंत्री आज तक किसी भी देश ने नहीं देखा होगा जितना हिंदुस्तान का किसान आज भुगत रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिसके लिए आप कानून बना रहे हो, वो कह रहे हैं कि हमें आपका कानून नहीं चाहिए, ये अडानी और अंबानी का कानून है, उनके एक फोन पे बना हुआ कानून है, आज हमें नहीं चाहिए, आप वापिस लो। हम स्वागत करते हैं हमारे बुजुर्ग जो जननायक, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ एक और बुजुर्ग है, इन्होंने किसानों के समर्थन में पार्टी छोड़ दी, हम अपनी समझ की पार्टी नहीं, जो सी पार्टी में शामिल हुआ है, ये जो दुष्यंत जो सी पार्टी में शामिल हुआ अपनी समझ की पार्टी थी, इस वजह से हमने उसको वोट ज्यादा बनाया था भेजा हुआ। इनका ये कहना है कि इन्होंने जिसके लिए दुष्यंत को बनाया था, दुष्यंत चौटाला को बनवाया था, वो उन्होंने धोखा दिया और किसान नेता को धोखा दिया, और क्या कहना चाहेंगे आप किसानों के लिए? हम किसानों के साथ हैं जी, दुष्यंत को ये कह रहे हैं भाई अपनी पार्टी छोड़कर अपना एक तरफ बैठो, किसानों के साथ लगो, तो ये उसने ठीक नहीं किया। देखिए इनका ये कहना है कि दुष्यंत चौटाला या सरकार ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत किया, इससे पहले जिससे हमने बात की थी उन्होंने कहा कि वो जो अन्नदाता जो पूरी दुनिया को अन्न देते हैं वो सर्द रातों में सड़कों पर बैठे हैं, इससे बेशरम सरकार और इससे बेशरम प्रधानमंत्री नहीं हो पाता। उनके बड़े बड़े समर्थक रहे हैं, मेरी कमल मीटिंग में खबर लगाई थी परसों, तो हमारी अभी भी मांग है, अभी भी मौका पड़ा है डिप्टी सीएम वहाँ दिल्ली जाकर किसानों का समर्थन कर दे, जहाँ अपने जात जमीर बचानी है, तो नहीं तो कोसा खत तक नहीं होगा। मेरी दोबारा फिर जोड़ के विनती है डिप्टी सीएम से, किसानों के साथ आ जा, किसानों के साथ नहीं आओगा नहीं, यह जनता बिल में सूट देगी, यह जनता प्रधानमंत्री बनावागी। देख लिया आपने, सुन लिया इनका क्या कहना था, इनके मन में कितना रोष है, जबकि ये उनके नीचे समर्थक किसान एकता जिंदाबाद। ये हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे जानकारी इनसे जानते हैं कि आज का जो बंद है कितना कुछ सफल रहा और किसानों के समर्थन में ये खड़े हैं या नहीं खड़े। सर सबसे पहले आपका नाम? मैं सुरेश गुप्ता, मेंबर AICC। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान आज किसानों के साथ खड़ा है, पूरा करनाल किसानों के साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा किसानों के साथ खड़ा है, और किसानों के जो ये तीन कानून बने हैं
भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको वापस लें। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो इन कानूनों का विरोध करते थे, तो आज वो समर्थन में कैसे हैं? और किसानों से बातचीत करें और इसको वापस लें और पूरे भारत के किसानों को MSP दें। सर, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है अब किसानों को और सरकार के बीच में, कई कई घंटे तक वार्ता चली, लेकिन बावजूद इसके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सर्द भरी रातों में किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, हर तरफ से देश भर के किसान वहाँ पर एकत्रित हैं। ऐसा क्या कारण होगा कि ये जो नतीजे, जो उनकी बातचीत है, वो उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिद है, इस वजह से ही वो किसी की बात नहीं मान रहे और वो तानाशाही पूर्वक रवैया है। नहीं तो किसानों की बात माने, उनकी सुने, उनसे समझौता। धन्यवाद सर। सुखराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस संघर्ष के बारे में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सबको मिलजुल के पूरा संघर्ष, हम साथ हैं, अपने व्यापारी किसानों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं और हमारा यही विचार है कि हम सबको एकजुट होकर। आज के बंद को आप कितना सफल मानते हैं? मैं तो 100% सफल मान रहा हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी, जिन्होंने इस जानकारी दी। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, कंबो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सारे आंदोलन के बारे में जो पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार चलता रहा और दिन ब दिन किसको समर्थन मिलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार ने जो 3 बिल बनाए हैं, ये किससे पूछ के बनाए हैं? क्या किसी सरकारी यूनियन से, किसी सरकारी संघ से, किसी किसान से इन्होंने एक बार भी पूछा कि आप ये किससे सलाह करके बनाया, कि आपके पक्ष में है या नहीं है? आप सब ने देखा, आज का बंद पूर्ण रूप से सफल है, सारी मार्केट बंद है, सब लोग किसानों के साथ हम लोग। धन्यवाद कंबो साहब। आज के इस बंद को कितना सफल मानते हैं और जो किसानों की जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं, और कांग्रेसी जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार के अलावा और भी कई अन्य पार्टियां जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन किया है? देखिए, आज का बंद कितना कामयाब है ये तो आप खुद देख सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान के हर वासी के दिल में किसानों के प्रति जो दर्द है, यही बहुत बड़ी बात है। हर आदमी महसूस कर रहा है 3 अध्यादेश गलत लाए गए और अध्यादेश को वापस लेने के लिए। टोटल हिंदुस्तान का किसान, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार सब एक हैं। आज का जो सफल काम है ये इनके लिए, ये बधाई के पात्र हैं। जो व्यापारी है तो व्यापारियों ने एक तरह का सबूत दिया और बंद रखा। अभी हम 3 दिनों तक शहर में ही हैं, दोबारा फिर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये बंद का हम सफल मानते हैं। थैंक यू। भुटाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सारे शहर के व्यापारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस किसान आंदोलन के अंदर अध्यादेश जो इन सरकार लेके आई थी इसके उसमें हमारा बंद में साथ दिया। किसान रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान मर के जाएगा तो वो पार कहां से चलेगा? उन्होंने कल पाडा के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, वो जो किसानों का आक्रोश था, जो आप कहना चाहते हैं पाडा का इंसिडेंट, वो किसानों का जो आक्रोश था, अगर 25-26 तारीख को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज ना करता, पानी के बिछारे ना मारता, हाथ गोले ना फेंकता, तो शहर किसान कल उसको प्रोग्राम कर लेने देते। लेकिन एक तरफ किसान सड़कों पर है, दूसरी तरफ वो उस गांव में जाकर पाडा के अंदर ढोल बजाकर अपना स्वागत कराना चाहता है। किसान, हिंदुस्तान का किसान आक्रोश में है। ऐसे में मैं उसको नहीं मानता, सूझवान नहीं मानता कि उसने आज आने का प्रोग्राम बनाया। आज उसको ये प्रोग्राम बनाना नहीं चाहिए था, उसको पता था हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर है, ऐसे में उसको आना गलत था। इसलिए वो इस काबिल नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद चला सके। उसका आज का आना जो पाडा के लोगों ने किया, अभी की मैं इसको बात को राजनीतिक तौर पर तो शुभ संकेत नहीं है, लेकिन पाडा के गाँव जो किसान है वो मुबारक के पात्र हैं कि उन्होंने एकता का सबूत दिया। और ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने किसानों को अत्याचार किया उसको गांव में नहीं घुसने दिया, वो मुबारक के पात्र हुआ। सर, अगर आज के बंद के बाद भी सरकार जो है किसानों की मांगों पर विचार नहीं करती पर वो सड़कों पर सर्द भरी रातों में बैठे हैं, जो ऊपर से हमारी पार्टी आदेश देगी हम वो पूरा करेंगे, किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। अगर वो आज नहीं मानती तो इसका मतलब कि वो नहीं चाहता देश आज़ाद रहे, वो देश को गुलाम करना चाहता है, जो हर चीज नहीं होने देगा, ना व्यापारी होने देगा, ना कर्मचारी, ना किसान, ना मजदूर, ना गरीब, हर आदमी किसानों के हित में साथ चले गए हैं। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, एक तरफ माँ के हम चरण पकड़ते हैं जिसने हमारे को जन्म दिया, जिसे अन्न को जन्म दिया उसको हम अन्नदाता मानते हैं।
अंधापा के साथ जब भी जाती होगी हम किसानों के साथ खड़े होंगे। सर आज के समय में अब जैसे हरियाणा की सरकार में कुछ विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया सरकार से, ऐसे में सरकार का भविष्य क्या रहेगा? देखिए मध्यवर्ती चुनाव किसी टाइम भी हो सकते हैं। कोई ये जो आज बैठे हैं जो सरकार लिए बैठे हैं ये उस सूखी लकड़ के समान है जो किसी भी समय टूट सकती है। आज वो टूट सकती है, सरकार भी टूट सकती है और दोबारा मध्यवर्ती चुनाव होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जब भाजपा के जो MLA हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। देखिए ये थे हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जिन्होंने हमें इस आंदोलन की सफलता के लिए करनाल वासियों को पूरा धन्यवाद के साथ ही साथ यह भी बता दिया, यह भी संकेत दे दिए कि जो जो मौजूदा हालात हैं जो मौजूदा हालात हैं उसमें मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो अपने विधायक हैं वह भी उनसे खफा नज़र आने लगे हैं। और उस इन्होंने साथ ही साथ यह भी संकेत दे दिया कि यह भी किसानों के साथ खड़े हैं। इनके बाद आज के बंद के बाद अगर सरकार किसानों की मांगों पर गौर नहीं करती तो उसके बाद जो भी इनकी पार्टी के अधिकारी जो इनके जो सीनियर लीडर हैं जो इन्हें आदेश देंगे उसी तरह का रुख इन्हें अपनाएंगे, उसी रास्ते पर चलेंगे, वो राहत पर चलेंगे। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के लिए किया जा रहा, जो उन पर पानी की बौछारें की गई, जो उन पर आंसू गंज के छोले के छोड़े गए हैं, वो काम सरकार ने निंदनीय किया है। यही कारण रहा है कि कल जो मुख्यमंत्री का असंध के गांव पाटा में जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम आज सोमवार को है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर कुर्सियों को तोड़ दिया गया, वहाँ पर टेंटों को फाड़ दिया गया। यह ने कहा कि सर जो मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ किया यह उसी का परिणाम है, क्योंकि एक करनाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो किसान हैं वह इस समय मौजूदा सरकार से खफा हैं। सरकार को अपने तीनों जो बिल हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अन्नदाताओं के साथ किसी भी तरह की जाति कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। शर्मा जी, इस आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा व्यापक जन समर्थन किसान आंदोलन को मिला है और हम कांग्रेस जन जितने हैं वो पहले ही अपनी पार्टी के तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि किसानों के बंद का हम समर्थन करते हैं। लेकिन मैं व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करूंगा। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री सिटी कहा जाता है, CM सिटी कंप्लीट बंद है। इसका मतलब जो किसानों की मांगे हैं समाज का हर एक वर्ग उसको समर्थन कर रहा है और वो जायज है। हालांकि मैं इस संस्कृति के खिलाफ हूँ, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा जन आक्रोश मुख्यमंत्री की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में है, जिसका नतीजा आपको पाटा में देखने मिला। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इन कानूनों का विरोध किया था और आज उन्होंने ये ठीक बात है कि जो एक जो कमेटी बनी थी उसके मोदी जी भी सदस्य थे और उन्होंने ये कहा था कि ये जो कानून है जो आज उन्होंने बनाए हैं इनके विरोध में उन्होंने रिटन नोट है मुख्यमंत्री के तौर पर, लिखित नोट है उनका 2012 में। तो आज प्रधानमंत्री को ये खुद सोचना चाहिए कि एक तरफ तो उन्होंने इसका विरोध किया और आज वो ऐसे कानून लाकर किसानों को आंदोलन की राह पर भेज रहे हैं। ये सारी परिस्थितियाँ सर, आपको विषय क्या नज़र आ रहा है आपको इस मौजूदा सरकार का? देखिए ये सरकार जो है, जहाँ तक हरियाणा की सरकार है, जिस प्रकार से कल 4 विधायकों ने समर्थन दिया किसानों को और उससे पहले 6 विधायक कर चुके, तो सरकार संकट में है। बहुत दिन ये सरकार चलने वाली नहीं है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मांग की है कि विधानसभा का सत्र तुरंत बुलाया जाए और सरकार विश्वास मत हासिल करे, क्योंकि सरकार मेरा ख्याल अल्पमत में आ गई। सर, किसानों और सरकार के बीच में 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सरकार की नीयत खराब है, सरकार की नीयत खराब है। और अगर आज के बाद भी, आज की बंद के बाद भी सरकार अगर नहीं मानती या किसानों की मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती तो उसके बाद कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए हम उनके साथ हैं, क्योंकि आंदोलन किसानों का है, कांग्रेस का समर्थन है। आगे भी जो किसान आंदोलन की कोई नई राह तय करेंगे कांग्रेस पार्टी उनके साथ। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने हमें विस्तार से बता दिया कि किस तरह से किसानों का यह आंदोलन है, इन्होंने समर्थन दिया है कांग्रेस ने, आगे जो किसानों की राह होगी उनका भी चलेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस बंद के बारे में और किसानों की मांगों के बारे में? ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे 3 काले कानून लेके आए हैं, इनका जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इनका पुरजोर विरोध किया था और मनमोहन सिंह जी को लेटर भेजा था। आज प्रधानमंत्री बनने के बाद
ये दूसरा चेहरा लेकर आए हैं। हम इन तीनों कानून का, कालो कानून का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी, और हम पहले किसान हैं बाद में कांग्रेस है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि इस सर्दी में जो बॉर्डर पर जिम्मेदार पड़े हैं, किसान पड़े हैं, माताएं बहनें बच्चे, उनको देखते हुए इनको वापिस ले और किसानों को अपना काम करने दे। धन्यवाद। जय हिंद। अखिल साहब, आप आज करनाल बंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना खूब व्यापक असर देखने को मिला, और आपकी आपके कहने पर या आपकी ऐसा है, ये खाली एक समूह का नहीं है, ये 36 बरादरियों का है। ये जो किसान हमारा अन्न आता है, ये 36 बरादरियों का है। ये हमारे लिए अन्न उपभोक्ता है। जो आज बंद का ऐलान था, ये पूर्ण सफलता से हुआ है। वो कहते हैं ना, जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय किसान के नारों से, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, ये थे कांग्रेसी जिन्होंने किसान आंदोलन को पूर्णतः अपना समर्थन दे दिया है। इनका ये भी कहना है, जो कांग्रेसी की राह, जो किसानों की राह आगे रहेगी, यह भी उनके साथ साथ चलेंगे। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ प्रीति कादैन। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक भीम सिंह सैनी जी। जैसा कि आपको भी पता है कि आज 8 दिसंबर है, आज के दिन भारत बंद है, तो इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना है आपका इस पूरे? आज हमारी पार्टी की तरफ से किसानों का समर्थन देने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जो ये तीन कानून बने हैं, ये तीनों के तीनों कानून किसान के विरोधी हैं। और किसान के जहाँ विरोधी हैं, वहीं पर आम जनता के भी विरोधी हैं, क्योंकि जहाँ किसानों को इसमें नुकसान होगा, वहीं पर आम जनता को जब स्टॉक करने की सीमा बढ़ाई जाएगी, अनलिमिटेड की जाएगी, तो लोग जमाखोरी करेंगे और काला बाजारी के होने के इसमें ज़्यादा चांस हैं। हरियाणा सरकार का जो कहना है कि कांग्रेस द्वारा हरियाणा के किसानों को भड़काया जा रहा है, कितना सच है? नहीं, ये तो सिर्फ एक झूठ बोलने वाली बात है। कोई किसी प्रकार का भड़काया नहीं जा रहा, क्योंकि हम सबसे पहले हम किसान हैं, उसके बाद हमारी पार्टी है। आज का जो भारत बंद किया गया है, वो आपको क्या लगता है कि कितना सफल होगा? आज तो देखो, अभी जैसे मौसम सुबह धुंध थी, मैं इंद्री से आया, वहाँ पर तो हमारे सभी दुकानें बंद थी इंद्री में, तो लोग अपने आप ही बंद कर रहे हैं, लोग अपने आप ही समर्थन दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के बाद जब ये भारत बंद पूरा हो जाएगा, तो क्या सरकार सुनेगी किसानों की मांग? सरकार को सुनना चाहिए इसमें, उनको कोई इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। संशोधन कर देना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए, किसानों की मांग बहुत ही जायज है। कांग्रेस की तरफ से और क्या क्या सहयोग दिया जा रहा है किसानों को? इसे कांग्रेस की तरफ से पूरा समर्थन है हर तरह से। तो बिल्कुल, इनका कहना था कि कांग्रेस की तरफ से पूरा का पूरा समर्थन जो है किसानों को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ दुकानें बंद है, कुछ खुली हुई है। सर, स्वागत है आपका। स्वागत है सर, आप क्या कहना चाहोगे? हमारा इंडियन नेशनल लोक दल का पूरा समर्थन किसान आंदोलन के साथ है, और कल हमारा पूरा इंडियन नेशनल लोक दल का जत्था दिल्ली बाईपास पे जाने को तैयार है। कल 1 बजे पहुंचेंगे हम। कल आप दिल्ली? अभय सिंह चौटाला जी नेतृत्व में। तो ये था इनेलो के नेता थे, इनका कहना है कि कल अभय सिंह के नेतृत्व में ये सारे के सारे जो है दिल्ली कूच करने वाले हैं, किसानों के समर्थन में जाने वाले हैं। वहाँ पर लगभग हर एक लोग, हर एक वर्ग या पार्टी संगठन जो भी है, वो अब किसानों के साथ आ चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति कादैन, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.